नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट अनबॉक्सिंग टैग में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कौन से एंगल ग्राइंडर डिस्क किस काम में आती है या कौन से एंगल ग्राइंडर व्हील किस काम में ली जाती है। जैसा कि दोस्तों मार्केट में आजकल बहुत सारे एंगल व्हील अवेलेबल है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे अधिकतर यूज में आने वाले कटिंग व्हील या ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, कौन सी कटिंग व्हील कौन सी ग्राइंडिंग व्हील किस काम में ली जाती है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 8 एंगल डिस्क हैं। इस डिस्क को दोस्तों सैंड पेपर डिस्क या फ्लैप डिस्क कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है सैंड पेपर के छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे इस डिस्क को बनाया जाता है। सैंड पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के इस डिस्क को बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों स्टील की वेल्डिंग करने के बाद उसको स्मूथनेस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डिस्क दोस्तों हमें मार्केट में 45 से 50 रुपये देखने को मिल जाती है। ये है दोस्तों एंगल ग्राइंडिंग व्हील, जिसे हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का मतलब है दोस्तों घिसाई के काम में आने वाले, यानी दोस्तों वेल्डिंग करने के बाद जैसे कि हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, ज़्यादा वेल्डिंग हो जाती है उसको स्मूथनेस देने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को घिसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोस्तों लोहे में फिनिशिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इसका प्राइस दोस्तों 55 रुपये से 60 रुपये के बीच देखने को मिल जाएगा। ये जो डिस्क देख रहे हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा काम में लाई जाने वाला डिस्क है, जिसे कटिंग डिस्क बोलते हैं। कटिंग का मतलब कट करना, यानी दोस्तों मेटल के जितने भी मेटल हैं उसको कट करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। ये व्हील दोस्तों आपको मार्केट में 20 से 25 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। ये जो आप डिस्क देख रहे हैं दोस्तों इसे भी ग्राइंडिंग डिस्क कहते हैं, यानी दोस्तों ये भी जो है स्टेनलेस स्टील को घिसने के काम आती है। इसको सिर्फ स्टेनलेस स्टील में यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को जो है दोस्तों स्मूथनेस देने के लिए, अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्केट में दोस्तों आपको जो है 45 से 50 रुपये के बीच देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये जो आप डिस्क देख रहे हैं ये भी ग्राइंडिंग डिस्क है, ये ग्राइंडिंग व्हील है। इसका इस्तेमाल दोस्तों लकड़ी या लोहे को घिसने के लिए किया जाता है, उसको स्मूथनेस देने के लिए किया जाता है। ये जो हमारे पास डिस्क है दोस्तों इसे मार्बल कटिंग डिस्क बोलते हैं। इस व्हील का इस्तेमाल दोस्तों टाइल्स कटिंग या ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग के लिए यूज में लाया जाता है, और इसका इस्तेमाल दोस्तों घरों में वायरिंग करते समय ईंट की दीवारों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लेड दोस्तों आपको मार्केट में 120 रुपये से 130 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसे जो है मेटल पॉलिशिंग जीसी व्हील कहा जाता है। दोस्तों ये मेटल में पॉलिश करने के लिए काम में लाया जाता है। ये व्हील दोस्तों व्हाइट कलर में कॉटन का साथ दिखने में लगता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल स्टील में पॉलिश करने के लिए किया जाता है। इस व्हील का इस्तेमाल दोस्तों स्टील में स्मूथनेस या फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। मार्केट में दोस्तों 30 से 40 रुपये में एक साबुन आता है, उस साबुन को दोस्तों इस व्हील में लगा के स्टील में पॉलिशिंग की जाती है। ये डिस्क दोस्तों मार्केट में 200 से 210 रुपये तक देखने को मिल जाती है। ये जो डिस्क है दोस्तों इसे वुडन कटिंग डिस्क या वुडन कटिंग व्हील कहा जाता है। इसका इस्तेमाल लकड़ी को काटने, प्लाईवुड को काटने के काम में लाया जाता है। जो फर्नीचर का काम करते हैं वो इसी ग्राइंडर व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्क दोस्तों मार्केट में 180 रुपये से 200 रुपये तक देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे दोस्तों एंगल ग्राइंडर मशीन में इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ग्राइंडर में कोई भी व्हील लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से वाशर को लगा देंगे। ये वाशर आपको जो दिख रहा होगा उसको कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह बनाई गई है, तो उसको इस वाले पर यहाँ पर लगा देना है। इस तरीके से वाशर को यहाँ पर बिठा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ब्लेड लगनी है, जैसे कि हम यहाँ पे कटिंग ब्लेड लगाएंगे, इस ब्लेड को दोस्तों ऐसे ही ना लगा के आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ब्लेड उल्टा ना लगे। ये डिस्क कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इसको कसने के लिए कुछ इस तरीके से एक आपको यहाँ पर नट देखने को मिल जाएगा। यह आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये उभरा हुआ है, इसको इसमें कसते समय ऊपर की तरफ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से कस लेना है। कसने के लिए दोस्तों इसके साथ हमें टूल मिल जाता है। इसको कसने से दोस्तों पहले यहाँ पे आपको जो एक बटन दिया गया है इसको प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों ये पूरा घूमे नहीं। इसको प्रेस करने के बाद दोस्तों हम इससे पूरी तरीके से इसको कस लेंगे, तो ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इसको टाइट से लगा देंगे। अगर आप इन डिस्कों को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।